मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रे करती हूँ कि सभी अच्छे रहें, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और सुबह हो चुकी है, दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल और घर फैल चुका है, क्योंकि बच्चों के जाने का पूरा घर फैल जाता है। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा क्लीन, और बच्चों की फरमाइश है आज मम्मी शाम को पनीर की सब्जी बनाना, तो मैं आज शाम को पनीर की सब्जी बनाऊँगी बच्चों के लिए। मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो मैं आपको बता दूँगी। सिंपल एंड इजी ट्रिक अपनाती हूँ, और तीखा कम रखूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे। और जो मैं मामा के यहाँ से वो लेके आई थी ना विरांश के लिए गाड़ी खड़ी करने का, तो देखो वो किस यूज़ में आ रहा है, आप ये देखो। पहले ये देखो वो विरांश क्या करके गया यहाँ, इस पर देखो, इस पर उसने अभी इसको कर दिया है बिल्कुल खाली, और यहाँ रख दी है टॉवल और ये। तो ये सब अभी करूँगी मैं, और बच्चों के कपड़े यहाँ पड़े हैं, वो एक ने वहाँ पटके हैं, इसके तो मैंने यहाँ रखे हैं, तो ये मैं सब सेट करूँगी। गाइस जो मेरी सोफ़े पे साड़ियाँ वगैरह रखी थी ना, वो भी मैंने सारी सेट कर दी हैं। अब यहाँ उस दिन मैंने सेट करा तो फिर फैल गया, ठीक है ये सेट करा ये भी फैल गया, क्या ही करूँ। मैं तो संभाल संभाल के हो चुकी हूँ दुखी, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और उसके बाद है ना थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आज है ना पेड़ों में जो गुड़ाई होती है ना वो कर दूँ मिट्टी। चलो देखते हैं पेड़ों का हाल क्या हो रहा है। तो वो रहे हमारे पेड़, देखो सुबह सुबह मैंने इनमें पानी लगा दिया था गाइस। तो ये जो गुड़ाई होती है ना यहाँ से करनी पड़ेगी, इसमें आई थिंक एक भी पौधा नहीं निकला है, नहीं इसमें तो एक भी नहीं है। और जो मैंने उस दिन आपको दिखाए थे ना स्नेक प्लांट्स, ये देखिए थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखो कितने क्यूट क्यूट हो गए हैं, ये देखो है। इनको मुझे निकाल के बॉटल में लगाना है, उसमें नहीं लगाऊंगी मैं, क्या बोलते हैं गमलों में नहीं लगाऊंगी इनको, थोड़ा बॉटल से जो यूनिक कुछ बनाते हैं ना उसमें बना के लगाऊंगी। इसमें भी पानी लगा दिया था, और इस पे जो मेरी सारी साड़ियाँ पड़ी थी ना वो मैंने सारी हटा के रख दी। गाइस रेड कलर की साड़ी है, तो उस पे से ना मैं लेस निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं लेस की पहनना नहीं है, मैं अब बोर हो गई हूँ। मैंने लाडू की गाड़ी यहाँ खड़ी है, चार्ज होती नहीं है इसमें, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। बच्चों ने ना इसमें देखो नमकीन और बिस्किट फैला, नमकीन है क्या है पता नहीं, कुछ फैलाया है यहाँ। ये चार्जर में पता नहीं ये चार्जर ख़राब हो गया है यहाँ से, पता नहीं कुछ हो गया है। तो इसको जब हम ऐसे लगाते हैं ना, ये देखो ये लगता ही नहीं है, देखना आप, अरे भाई लग जा, ये लगता ही नहीं है, लूज़ हो गया, पता नहीं कैसा चार्जर दिया था उन लोगों ने, बकवास। इतनी महंगी गाड़ी दी चार्जर दिया, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल अच्छा चार्जर नहीं दिया है। तो अब मैं वो वाली साड़ी आपको दिखाती हूँ, वो कौन सी साड़ी थी है ना। और मनस्वी ने ना कल एक काम करा था, मनस्वी ने ये बोतल पेंट करी थी ये वाली, तो मैंने बोला बिल्कुल भी अच्छी पेंट नहीं करी है, इसको अच्छे से पेंट करना वापस से। तो मैं वो साड़ी आपको दिखाती हूँ कौन सी, जिस पे मेरे को लेस हटानी है। कल मैंने मेरी अलमारी सेट करी थी, तो मैं ना इस वाली साड़ी की ये लेस हटा रही हूँ, मुझे अच्छी सी नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल प्लेन रखनी है ये साड़ी, ठीक है। जैसी ये प्लेन है ना साड़ी, ये वाली बस ओनली बॉर्डर है। इस साड़ी में ना इतना अच्छा लुक आता है निकल के, पीच एंड रानी कलर की साड़ी है, बहुत अच्छा लुक आता है इसमें निकल के। और ये साड़ी मम्मी ने दी थी ग्रे कलर की, पता नहीं वो जब शादी होती तो बक्सा खुलाते हैं, तो उसमें जब सबसे ऊपर साड़ी निकलती है ना भाभी के यहाँ से आती है, तो वो ये साड़ी थी। उसके बाद ये मैंने यहाँ रख दी है, मैंने ये सब सेट कर दिया है ऐसे, थोड़ा सा इधर ऐसे सेट कर दिया है, मतलब अभी ऐसे ही रख दिया है, अच्छे से सेट नहीं करा है। पर मुझे इस साड़ी की लेस उधेड़नी है, मुझे बस अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं इसको निकाल दूँगा। अब मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं नहीं कर सकती, मैं मेरे को चाहे कोई तो ना भी कुछ भी बोले, मैं मेरे मन की ही करती हूँ। मुझे जब अगर बंदा मुझसे प्यार से बात करेगा तो मैं अपनी सच बता रही हूँ, जो भी मांगेगा सब दे दूँगी। अगर वो पीठ पीछे है ना उल्टा सुलटा बोलेगा या कुछ और फालतू बोलेगा तो मेरे को बहुत खतरनाक गुस्सा आ जाती कि इसके साथ ऐसा कर रहे हैं फिर भी ये ऐसा कर रहा है हमारे साथ। तो मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो हम हेटर्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब मैंने ये ठाना है कि ना जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, मेरा जो मैंने अपना था मतलब
जो ठानी है ना वो मैं करके रहूँगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है, पूरा बेड भी मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, और ये पूरा क्लीन कर दिया है। और ये कुर्ता मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी फिटिंग खोलनी है, अभी गर्मी आ गई है। तो कुर्ता तो बिल्कुल ठीक है मेरा, लेकिन मुझे थोड़ा लूज़ लूज़ पहनना है, तो मुझे जैसे इसमें से ये वाली सिलाई खोलनी पड़ेगी। मुझे एकदम से जैसे जो फिक्स कपड़े होते हैं ना वो मुझे थोड़े कम ही पसंद आते हैं, तो मुझे इसकी अभी सिलाई खोलनी पड़ेगी इस वाले कुर्ते की। और बाकी मैंने पूरा रूम सेट कर दिया, ये देखिए पूरे कर्टन्स वगैरह सब लगा दिए हैं। सब बोलते हैं आप अपने रूम टूर करवाइए, रूम टूर करवाइए, तो इस बहाने आप मेरा रूम देख लीजिए ली, तो मैं दिखाती हूँ कैसे एंट्री होती है। तो ये यहाँ से एंट्री हुई, ये गेट का पर्दा, ये सामने का व्यू, इधर है कुर्सी, क्या है ये टीवी, और यहाँ लगी है वीरांश की टेबल चेयर और उसका बाड़ा, और ये ऐसे हमारा बेड है, और सामने अलमारी है, और कर्टन्स के पीछे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो देख लिया आपने मेरा रूम टूर। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद बनाऊंगी दोपहर का खाना। शीतल बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी आज, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूसरा काम है तो वो मैं करूंगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ, और मैंने यहाँ पे अपनी सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, थोड़ी सी लिप बाम अप्लाई कर ली है, और दोपहर का खाना बन चुका है हमारा। दोपहर के खाने में आज बनाई है दाल, लौकी और रायता और रोटी, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे दोपहर के खाने का मेन्यू। तो मैं अभी नीचे जाके खाना खाऊंगी, फिर आपसे मिलूंगी, फिर मैं दोपहर में सो जाऊंगी थोड़ी सी देर के लिए, फिर आपको मिलती हूँ मैं सीधे शाम को, जब चकली बनाऊंगी सब्जी। हे गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर, क्योंकि वो बोल रहे थे मम्मी हमने पनीर नहीं खाया, पनीर नहीं खाया, तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ पनीर। कुछ पनीर के पीसेस यहाँ काट के रख लिए हैं, तो मैं बस बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनको खाना है, बाकी सब्जी दूसरी बनेगी, क्योंकि ये बस इन दोनों के लिए बनाया है, बाकी तो सब्जी दूसरी या तो लौकी वगैरह बनेगी या कुछ बनेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी है तो ये पूरी नहीं हो पाएगी। बाकी मैं पनीर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी ना इसमें मैंने ग्रेवी डाल दी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन तो नहीं डालते हम, होता ही नहीं हमारे घर में, ऐसे समझ लो बहुत कम खाते हैं। और वो डाला है इसमें, क्या डाला है यार, हरी मिर्ची, हाँ ये डाला है। तो अभी जब तक हमारी ग्रेवी भुनेगी तो मैं आपको ना एक चीज़ की नौटंकी दिखाती हूँ क्या है, ठीक है, चुपके से देखना आप लोग। विरांश आप अपना पढ़ो ना, बस दे बस दे विरांश, ये विरांश लिखता है ये उल्टा सीधा, ये देखो थ्री, ये ई देखो ई, इसकी ई देखना जरा, अरे ये वाली, अच्छा ये तो क्लास वर्क है इसका, ये देख क्लास वर्क है, ये देखना, ओहो हो विरांश एक ये आ बना के दिखा यार, प्लीज प्लीज यार विरांश, मुझे आता नहीं, अरे यार आता है, और अच्छा है मैंने आज क्वेश्चन में इन सब के क्वेश्चंस लिखे थे, मम्मी ये अच्छे हैं, तो आज ये भी लिखना पड़ता मेरे को, हाँ तो लिखो बैठ के, लिख ही रही हूँ यहाँ तक, ये देख आका इसने तोड़ ताड़ के पता नहीं क्या बना दिया। विरांश अच्छे से बनाओ यार, आ नहीं यार आ जाएगा, उस दिन तो आपने बनाया था, लेकिन मैं पकड़ती हूँ पेंसिल, ठीक है यहाँ इस वाले पॉइंट पे बनाते हैं, पापा देखेंगे व्लॉग, बनाओ बनाओ, फिर पापा टोकेंगे, फिर पापा डांटेंगे कि ब्रांच में तो तेरे को सिखा के गया तो फिर तेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, जल्दी आ जा, इतने में मेरी ग्रेवी भी भुन जाएगी, और ये ओ बन गया, बरा बना दिया, बरा बना दिया, बरा बरा नहीं होता, बरा करता है शैतानी, चल रही है गाइस, मैं लड्डू गोपाल से मिला देती हूँ, चलो आज मैं लो पकड़ी लगाई है ये लो, देखो ये शाम का वक्त है, सुबह का नहीं है गाइस, है ना, पहले बता देती हूँ आपको,
दिमाग में क्या आ रहा है मेरे को ना, इनके अब ये कपड़े बिल्कुल कोई से भी अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को। बस पता नहीं, या तो अंदर से फीलिंग आ रही है या ये मेरे अंदर फीलिंग लाके मुझसे कहलवाना चाह रहा है कि भाई मेरे को कुछ पहना हो न्यू। दूसरा, इनको ये बिल्कुल भी कपड़े वपड़े ना, ये मेरे अंदर से इच्छा नहीं कर रही है इनको पहनाने की। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे अपन भी बोर हो जाते हैं ना कुछ पहनते पहनते, तो फिर वही चीज़ है। तो वह जैसे मैं कपड़े पहनाने चलती हूँ, मैं सोचती हूँ यार क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ, फिर मेरे दिमाग में आता है यार चलो अभी तो ये पहना देती। मेरे पास कपड़े पड़े हैं सिलने के लिए, मुझे सिलना है, मैं इनके कपड़े सिलूंगी। गर्मी के इनके कपड़े अलग ही बना के रखूंगी, ये सारे तामझाम उठा के रख दूंगी। बहुत हैवी पोशाकें हैं ये, इनमें इनको लगती होगी भाई गर्मी, हम को लगती है तो भाई उनको भी लगती होगी। तो आज मैंने भी ये अपना गर्मी में ये सूट निकाल लिया है, तो फुल स्लीव पर है बहुत हल्का। तो अभी मेरी ग्रेवी भुन रही है यहाँ पे, ये देखो अभी तो इसमें लग जाएगा कम से कम आधा घंटा बनने में टाइम लगेगा ग्रेवी बनने में। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, खाना वाना बना लेती हूँ फिर मिलूंगी आपसे, क्योंकि बार बार वही सब्जी बनाना ये बनाना इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो मिलती हूँ अभी आपसे बाद में। तो गाइस यहाँ पे हमारी पनीर की सब्जी बन चुकी है, ये देखिए इतनी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है मैंने। मुझे और भी गाढ़ी बनानी थी, फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ी सी पतली बनाते हैं, हल्की सी पतली, बाकी इससे और भी गाढ़ी होती, पर मैंने नहीं बनाई इससे गाढ़ी। और हमारी रोटी भी बन के हो चुकी है तैयार, और दूध भी उबल गया है, कान्हा जी को भोग लग रहा है। हाँ कान्हा जी को भोग लग रहा है, तो गेट बंद है, ये देखिए ये देखिए क्योंकि ये ऐसा बोलते भगवान पर्दे में भोग लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कान्हा जी को जब भोग लगाते हैं तो गेट भेड़ देते हैं हल्का सा, ताकि वो आराम से अपना भोग लगा लें, उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से भोग लगाएं। और अभी देखो बर्तन पड़े हैं, मुझे धोने हैं बर्तन, ये बर्तन पड़े हैं, और मुझे यहाँ पे थोड़ी सफाई करनी है, ये सारा गंदा हो रहा है, अभी पूरी सफाई करूँगी। फिर अभी पापा भी आ रहे होंगे, उनको भी खाना, फिर उसके बाद ऊपर जाऊँगी। हाँ अभी तो नहीं जा रही, और ये तार है ना बार बार निकल निकल के गिर जाता है, ये देखो यहाँ से, सॉरी दिख रहा होगा, ये यहाँ लगता है, यहाँ मैं बैक से दिखा, ये यहाँ लगता है, और यहाँ से ना बार बार इसे मैं लगा देती हूँ, बार बार निकल के गिर जाता है। हमें डर लगता है यार सर पे लग जाए, ये सर पे ना लग जाए। और मैंने मेरा कल पार्लर वाला रूम में ना सेट कर लिया था, बिल्कुल सेट कर दिया, उसमें कुछ भी फैलावड़ा नहीं फैलाया मैंने। तो ठीक है गाइस मैं यहाँ से थोड़ा सा ये साफ वगैरह कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस तो मैंने बनाई पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा इजी वे में, और आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर करी, और पसीने में देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है, क्योंकि अभी मैं ना नीचे से ना बर्तन वगैरह धो के आ रही हूँ, और फिर मैंने कहा मैं भूल जाऊँगी और मुझे फिर नींद आ गई ना, या फिर लाइव वगैरह स्टार्ट कर लेती हूँ फिर मैं व्लॉग एंड करना भूल जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ और सुबह तो हो नहीं पाएगा, फिर रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे उठ के मैं व्लॉग एंड करती हूँ, तो इसलिए मैं अभी टाइम से ही कर देती हूँ लाइव स्टार्ट करने से पहले। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो पनीर की इजी एंड सिंपल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मैंने बच्चों के लिए बनाया, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और हाँ गाइस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर न्यू आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो कोई बात नहीं, तो आप कमेंट एंड लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।